नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप और आज हम बात करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया। नीरज के भाले ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा और 130 करोड़ भारतीयों का सपना साकार कर दिया। देश भर में उनकी कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है। अब परिवार और देश को उनकी वतन वापसी का इंतजार है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। तो 15 अगस्त को मिल रहे हैं भैया? बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया और लठ क्या भाले वाला लठ गाड़ दिया। नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए इनाम में दिया, नौकरी दी जाएगी और प्लॉट दिया जाएगा और हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखते ही दिया जाएगा, किसी को चक्कर नहीं देगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एथलेटिक्स में प्रथम पदक दिलाने वाले भारतीय सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा जी को मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। आज स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नीरज चोपड़ा की बदौलत अब टोक्यो में राष्ट्रगान गूंजा तो 1.25 अरब भारतवासियों ने बस यही कहा, रे छोरे तेरे भाले ने कमाल कर दिया। हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया और लठ क्या भाले वाला लठ गाड़ दिया। भाला वही होता ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। सेना झूमने लगी, आवाम नाचने लगी, ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को बधाई दी जाने लगी। जापान में नीले आसमान के नीचे शान से लहरा था तिरंगा, हर भारतीय की शान बढ़ा रहा था। ये तिरंगा हर भारतीय की शान बढ़ा रहा था और हर देशवासी बस यही कह रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा है। 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 7 पदक लेकर भारत ने इतिहास रच दिया। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज स्टेट ने गोल्डन बॉय नीरज से बातचीत की। देखिए स्वर्ण पदक जीतने पर उन्होंने क्या कहा। और हमारे साथ जेवलिन थ्रोअर जिन्होंने भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाला, नीरज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नीरज, सबसे पहले आपको ढेरों बधाई। सवाल, जब से भाला फेंकना आपने शुरू किया, बस गोल्ड को अपना बनाने का सपना आपने देखा, कैसे देखते हैं इसे? जी, अगर सही बताऊं तो मतलब दिमाग में तो ये था कि हाँ अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है ओलंपिक में, लेकिन जब तक गोल्ड फाइनल नहीं हो गया लास्ट थ्रो तक, तब तक मैंने बिल्कुल भी ऐसे दिमाग बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था कि भाई हाँ अपना गोल्ड हो गया है और मैं बस रिलैक्स छोड़ दूं, क्योंकि जो बाकी और थ्रोअर थे वो काफी अच्छे थ्रोअर थे, वो कभी भी वो थ्रो निकाल सकते थे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कॉम्पिटिशन के अंदर, और जब लास्ट थ्रो उनका सभी का हो गया और मेरा लास्ट थ्रो बचा था, तब मुझे हो गया था कंफर्म कि हाँ अपना गोल्ड हो गया पक्का, और उसके बाद ही मैंने सेलिब्रेशन किया। वेट लूज करने से सफर शुरू हुआ, नीरज कैसे देखते हैं इस सारी कवायद को? देखो जी, मैं सही बताऊं तो ऐसा कोई, जब मैं स्टेडियम में गया तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। बस ये मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी, कि क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का, तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया, तो ये सब भी बस होना ही था और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी स्पोर्ट रही है सभी की तो वो काफी अच्छी रही है, तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। ओलंपिक में गोल्ड मेडल तक पहुंचने के लिए आपने मेहनत की और आज ये मुकाम हासिल किया, इसके लिए आप किसे श्रेय देते हैं?
देखो सबसे पहले तो घर में, घर से ही शुरू होता है। मेरे सबसे छोटे अंकल है, उनको उन्होंने मुझे स्टेडियम में, वो स्टेडियम में लेके गए थे क्योंकि उनका काफी शौक था कि मैं एक खिलाड़ी बनूं, और उनकी काफी इच्छा थी है, तो वो मुझे लेके गए। और उसके बाद फिर मुझे जो वहां पे जाके जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे सीनियर थे, वो भी काफी सपोर्टिव मिले, उन्होंने काफी सपोर्ट की। और बस ये है कि जब मैंने पहले दिन ही जेवलिन शुरू किया, और मुझे नहीं पता था कि मैं किस लेवल तक ये खेलूंगा या फिर मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा, बस पता नहीं क्यों मुझे एक जेवलिन से अजीब सा लगाव हो गया था। तो मैंने उसी दिन से ही अपना प्रोफेशनल जेवलिन को मतलब ऐसे चुन लिया था। नीरज, कल से आज तक में आप क्या चेंज देखते हैं? बिल्कुल, देखो एक अपने खासकर एथलेटिक्स में, इंडिया में देखो ओलंपिक में गोल्ड आया हुआ है पहले अभिनव बिंद्रा जी का, और एक एथलेटिक्स का सबसे बड़ा सपना था कि मेडल आने का। कितने साल से मेडल नहीं है एथलेटिक्स का, इंडिया का एथलेटिक्स में, तो और मुझे लगता है कि ये गोल्ड के साथ आया है, तो एक बहुत ही एक चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है ये मेरे लिए तो है ही है, पर शायद इंडियन स्पोर्ट्स, इंडियन एथलेटिक्स के लिए और खासकर जेवलिन के लिए बहुत बड़ा चेंज है। आपने मिल्खा सर को गोल्ड मेडल डेडिकेट किया, कैसे देखते हैं इसे? जी बिल्कुल, देखो लॉकडाउन था तो उस टाइम मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो एक हमारे लिए ठीक रहा है, वो जो हमारा कैंप चल रहा था, भाई मैं थैंक यू करता हूँ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने कैंप कंटिन्यू रखा, वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल था, क्योंकि अगर हम घर पे चले जाते तो हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल बंद हो जाती थी गाँव में, और घर पे ऐसा ट्रेनिंग का माहौल नहीं था। हाँ थोड़ा सा बीच में जब फुल लॉकडाउन हुआ था तब थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी थोड़े दिन, कुछ दिन बाद, और हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रही। हमको बाहर जाना अलाउड नहीं था, किसी को बाहर से अंदर आना अलाउड नहीं था, तो प्रॉपर जो ओलंपिक एथलीट थे उनकी ट्रेनिंग चलती रही फिर अच्छे। आखिरी सवाल नीरज आपसे, आपको इंजरी झेलनी पड़ी, लॉकडाउन भी लगा, आखिर आपने कैसे तैयारी की? बस मैं मुझे मतलब कल वही दिमाग में आया कि उनका एक सपना था कि यार, क्योंकि देखो उनका जो भी अपने इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन एथलेटिक्स के लिए जितनी उन्होंने मेहनत की और जो उनका योगदान रहा है वो बहुत ही बड़ा रहा है, और उनका भी एक सपना था कि कोई इंडिया से गोल्ड जीते और राष्ट्रगान बजे, तो वो पूरा हुआ, और लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि जो भी है जहाँ पे भी है वो आज ये देख रहे होंगे तो प्राउड फील कर रहे होंगे, और ये उनका भी सपना था तो बहुत उनको प्राउड फील होता है सच में, अगर वैसे देख पाते और मैं उनके पास जा पाता तो। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, न्यूज़ स्टेट के साथ खास बातचीत करने के लिए। वैसे तो पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने का, लेकिन पानीपत में उनके घर पर क्या माहौल है ये जानने के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी ज्योति का, जो कि वहां पर मौजूद हैं। ज्योति, क्या वहां पर हालात हैं और किस तरह से लोग खुशियां मना रहे हैं? बिल्कुल चंदन, मैं आपको बताऊं इस वक्त घर ही नहीं पूरा देश खुशियां मना रहा है, और ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। 125 साल का ओलंपिक का ये इतिहास है, और घर में दादियां, चाचियां, ताइयां सभी मौजूद हैं। और आप थोड़ी लेट हो गई बधाई देने के लिए, अभी अभी पहुँची हैं? हाँ नहीं, अभी नहीं, 5-10 मिनट पहुंची हूँ। हाँ तो कैसे कैसे खुशी का इजहार करेंगे आज आप? ज्यादा खुशी करेंगे, मेरा पोते ने इतना ऊंचा नाम रोशन कर दिया, बहुत ज्यादा सारे देश में। दादी हैं ये, दादी आप कैसे खुशी का इजहार कर रही हैं, आपने कैसे बधाई दिया? बहुत 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 खुशी है, बहुत इंतजार थी गोल्ड की, या सारी इच्छा पूरी कर दी नीरज चोपड़ा ने, सारे देश का। देखो हरियाणा तो रागनी के लिए भी जाना जाता है, और मौका कोई भी हो हमेशा गायन के बिना तो बात पूरी नहीं होती, ठीक कह रही हूँ मैं जी? तो फिर क्या, कौन गाएगा? दादी गाएंगी, दादी गावेगी। चलो दादी जी शुरू हो जाइए। जारी मसेरा वाली शेर चढ़ खोल दे दरवाजरी लंबी बांक, जारी मसेरा वाली शेर चढ़ खोल दे दरवाजरी कर आथ मैयारी मेरे जल करी लौटाया, आथ मैयारी मेरे जल काया ना नड़ाऊं काया सीध कर खोल दे दरवाजा लंबी कया, जारी मसेरा वाली शेर चढ़ खोल दे।
मोदी जी, बादल भी बहुत खुश हो रहे हैं, गड़गड़ाहट हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, देखो बादल भी बरस रहे हैं। बहुत खुश मैं, भगवान भी खुश सब। आप क्या सुनाएंगे, आप तो सुबह से कुछ ना कुछ सुना रही है। ये बहुत सुना रही है, कुछ तो सुनाना पड़ेगा, ना छोड़ देंगे ना, ऐसे खुशी का मौका है। तो खाना बना रही तेरे लिए। अच्छा नहीं नहीं, आप बनाइए, बिल्कुल खाना बनाइए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इतना वक्त दिया, बिल्कुल खा के जाएंगे। देख रहे हैं चंदन, यहाँ पे खुशी इतनी है कि खाना खा के जाइएगा, हर एक से बार बार यहाँ पूछा जा रहा है। दादी ये बताइए, जब आएंगे वापस नीरज तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बधाइयां देंगे। कैसे देंगी? ऐसे देवेंगे, हमारे पोते ने इतना ऊंचा नाम करया, जिंदगी लगाओ, सारे देश का नाम रोशन करया, जिंदे रहो सारे माँ बाप परिवार सारा, खुशी देंगे सारे देश ना, खुशियां देंगे। हैं, और नीरज चोपड़ा जिंदाबाद। जिंदाबाद नीरज चोपड़ा, जिंदाबाद। आप क्या लगती हैं रिश्ते में? नीरज की चाची लगती हूँ। चाची लगती हैं, और कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है, इतना बड़ा मतलब दिन है, बहुत ज़्यादा बड़ा दिन है, इतनी मेहनत की है उसकी, वो आगे आई है आज। आपने तो मेहनत करते देखा है, दिन रात की लगन, कैसे क्या आपने देखा है? बहुत ज़्यादा लगन थी, मतलब अपने परिवार से भी मिलने के लिए टाइम नहीं था उसके पास, बहुत ही मेहनती और बहुत सच्ची में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इसके गोल्ड छोटे कि मेरे बच्चे भी नीरज जैसे बने, नाम रोशन करे देश को लगेगा। ये तो एक मतलब पूरी, ये बेटे आपकी दुआ, लड़के की मेहनत है। हाँ, लड़के की मेहनत है, आपकी भी दुआ है, लड़के सबकी दे ही देता हूँ कि सबकी दुआ है। और हरियाणा के ये जो दूध दही घी है उसका भी कमाल है। और उसका भी कमाल है, रोटी पो मैं दूध बोलो मैं घर की बड़ी बडेरी, हरियाणा मैं ओ साबिर कमेरी। बिल्कुल, कहते हैं चंदन दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के। और उस हट्टे कट्टे नीरज ने देखिए किस तरह से नाम कर दिया, और भाला फेंकना कोई आसान नहीं होता, और वो भी इतनी दूरी पर भाला फेंका है, 87.58 जो आखिरी उनका स्कोर रहा है वो। जी जी, हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।